अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ आफ़ताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आफ़ताब वेटनरी क्लिनिक। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सर्जरी का केस। ये सर्जरी है इस काफ की, जिसको मसला है कि इसकी आँख के अंदर एक एब्सेस बन गया हुआ है और जो है ये एब्सेस बना है इसके जो लोअर आईलिड है उसके अंदर। तो ये जगह भी बड़ी अजीब सी है और बड़ी क्रिटिकल और बड़ी सिचुएशन ख़राब सी है। तो आम तौर पे जो है वो इस तरह के केसेस को जो है बड़े ही एहतियात से और बड़ी स्किल से जो है वो हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि आँख को भी बचाना है, आँख के आईलिड को भी बचाना है। तो आँख के इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ हैं, अगर कोई मसल डैमेज हो गया तो उसके जो है वो परमानेंट जो है आई की मूवमेंट वो भी ख़राब हो सकती है। तो इसको जो है वो हमने ठीक भी करना है। तो प्रॉब्लम जो है वो फार्मर भी उस वक्त बताते हैं जब जो है वो समझ लें कि काम जो है वो फुल जो है बिगड़ गया होता है। तो इस वक्त हालत ये थी कि इस काफ को जो है वो नज़र आना बंद हो गया था और इसकी आँख से हर वक्त जो है वो पानी निकलता रहता है। तो इस सिचुएशन में जाके जो है वो ओनर ने जो है वो हमें बताया है। तो अभी हम आए हैं, इसको जो है ऑपरेट करने लगे हैं। तो देखें जी, किस तरह किन हालात में और किस तरह से जो है वो केस हमें मिलते हैं और हम जो है फिर उसको ऑपरेट करते हैं। तो अगर यही केस किसी इंसान में होता, किसी ह्यूमन में होता, तो जो है उसके लिए बड़े प्रोटोकॉल होने थे, जो है उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएं जी, और डॉक्टर जो है वो सर्जन साहब आ रहे हैं और उनकी इतनी भारी फीसें हैं, और जो है उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो है कॉस्ट हैं और पता नहीं वो क्या क्या लवाजमात होते हैं। तो हम जो है ये हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं हैं इतने ज़्यादा जो है वो, क्योंकि जो एनिमल ओनर हैं वो भी जो है पेइंग नहीं होते, इतने इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो है ये लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के जो है हमें अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसी हिसाब से जो है हम देखें अभी इसका ऑपरेट कर रहे हैं। ये वीडियो तो काफ़ी लंबी भी थी, ऑलमोस्ट जो है हमें को 35 से 40 मिनट जो है वो इसी ऑपरेशन में लग गए हैं। तो इतनी लंबी वीडियो जो है वो उसको फिर अपलोड करना और फिर जो है वो देखने वाला भी जो है वो बोर हो जाता है। तो इसको हमने जो है वो शॉर्ट शॉर्ट करके जो है बनाया है, तो उसके बाद ये अपलोड की है। तो इसकी हम अगर पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव में है, हम इसके अंदर एक ट्यूब मिलती है बाज़ार से पॉलीफेक्स के नाम से, जिसमें पॉलीमाइसिन बी और बेसिट्रेसिन जो है वो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वो ट्यूब जो है इसकी आंख में डलती रही है। इसके अलावा इसको 5 दिन तक अच्छे वाले एंटीबायोटिक्स में पेंसिलिन और मेलॉक्सिकम वगैरह शामिल हैं, वो इसको लगते रहे हैं। तो जो है ये इसकी आँख बिल्कुल ही जो है वो परफेक्ट जो है वो ठीक हो गई थी। तो देखें जी, अब हम जो जिस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, रात का टाइम है हमारे पास, इवन जो है लाइट की भी शदीद कमी है। तो देखें जी, हम जो है टॉर्च से जो है वो टॉर्च जलाई हुई है और मोबाइल की लाइट जो है उससे जो है हमें ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो ये फील्ड कंडीशन में हालात जो है वो मोस्टली ऐसे ही होते हैं। तो जो है आपको जो है बड़े ही लिमिटेड से और थोड़े से रिसोर्सेज में रह के जो है अच्छे से अच्छी जो है आपको अपनी जो है वो प्रोग्रेस जो है वो दिखानी होती है, अपना जो है वो हाथ दिखाना होता है। तो इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं, आपकी नेक नीति हो गई, आपकी नियत हो गई, तो उसके अलावा जो है आपका नॉलेज है, आपका आपकी जो स्किल है, और आपको अपने ऊपर जो है सबसे जो मेन चीज़ है कि आपको अपने ऊपर जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो उन इन सब चीज़ों को ले कर फिर जो है जब आप काम करते हैं तो फिर उसके बाद जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो बड़ा बेहतर होता है, और ऐसा रिज़ल्ट होता है कि आप ख़ुद जो है वो हैरान हो जाते हैं कि ये मैंने किया था या मेरे हाथों से हुआ है। तो ये देखें जी, वही काफ है जो हमने जो आपने जो है कुछ मिनट्स पहले जो देखा था, जिसकी आँख जो है वो बड़ी ही सीवियरली अफेक्टेड थी। तो अभी देखें, ये बिल्कुल 100% रिकवर हो गई है, और इस तरह से रिकवर हो गई है कि कोई नया बंदा देख के वो ये कह भी नहीं सकता कि इसको कभी कोई इशू भी था। तो यही वाली वो आँख थी जिसको इशू था, ये इसकी दूसरी वाली आँख है। तो दोनों आँखें जो है वो बिल्कुल ही 100% सेम जो है वो फील हो रही हैं। तो ये था जी आज का केस, उम्मीद है जो है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।